वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनाथपतिं वंदे सूर्यशशांकवहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयाश्वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की। आदिदेव महादेव मृत्युंजय महाकाल भूत भावन भोलेनाथ भगवान के असीम अनुकंपा से उन्हीं का वांग्मय प्रतिस्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा के तृतीय दिवस में हम आप प्रवेश करते हैं। श्री अयोध्यानाथ को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, स्वामी राम बालकदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, गांव के दैवत को प्रणाम करते हुए, मौनी बाबा को प्रणाम करते हुए, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, प्रत्येक संत के चरणों में दंडवत करते हुए, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, आप सबके हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम करते हुए आइए हम लोग कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम बताएं? चलिए कल याद रखिएगा। हाँ, इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें हो जाती है ना कि वो हैंग कर जाता है। भागवत जी की कथा, राम कथा तो सीधी सीधी है, जो शिव महापुराण की कथा है वो बड़ी टफ है। क्यों? क्योंकि कल्याण का जो साधन होता है वो बड़ा कठिन होता है, और इसमें तो केवल ज्ञान की ही बातें कही गई है। मतलब धीरे धीरे कथा आनी शुरू हो जाएगी, राम कथा आएगी, भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा आएगी, लेकिन प्रारंभिक काल में, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिवलिंग, आदि शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा याद आया? हाँ। इसके बाद आपने श्रवण किया था कि रुद्राभिषेक का क्या फल है, पार्थिव बना के कैसे रुद्राभिषेक किया जाए, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कनेर के पुष्प को भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटा का शिवलिंग बनाया जा सकता है। किसी ने कहा महाराज जी हम नदी में स्नान कर रहे हो, तब बोले नदी में स्नान कर रहे हो तो अपने अंगूठे को भी शिवलिंग मान के जल चढ़ाया, अब आप बताओ इतना साधन सुलभ कहां मिलेगा? आप विचार करिए, भारत के किसी देश में चले, भारत के किसी राज्य में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, भाषाएं अनेक हैं, रूप स्वरूप अनेक हैं, पानी अलग है, लेकिन किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे तो दो चार शिवाला आपको हर गांव में मिलेगा। ये हमारे भोले बाबा का वैशिष्ट है, दो चार शिवाला हर जगह, अपने अपने तरीके से सब स्तुति करते हैं, सब मनाते हैं, बाबा की कृपा अद्भुत है। शिव पुराण में आया है कि कब हम दान करें, कब कहां स्नान करें तो हमें कितना फल मिलता है। अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं, सही बताएं,
कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कथा सुनाए कि ना सुनाए, क्योंकि ये काम की बड़ी चीज है और काम की चीज कोई सुनना नहीं चाहता। हम यहीं से बैठे बैठे आपका चेहरा देख के बता सकते हैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, दवाई कड़वी जरूर होती है। दवा खाने का जल्दी मन होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या, बड़े लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगवाने से आज भी डरते हैं। डरते नहीं डरते, लेकिन इन चीजों को जब आप जीवन में उतारेंगे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो पुण्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ का आपको सही फल तब मिलेगा जब पूजा को आप ढंग से करेंगे। मनमुखी नहीं पूजा होनी चाहिए, अपने मन का काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है जो हम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में इतना ही फर्क है। विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी नहीं। आप सबने महाभारत की कथा सुनी होगी, अभी टीवी पे दिखाया जा रहा था, फिर से लॉकडाउन में आपने फिर से देखा होगा। गांधारी की कथा आती है, गांधारी का नाम जानते ना, गांधारी जो धृतराष्ट्र जी की पत्नी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी। जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी आई अपने ससुराल तो अपनी नौकरानी को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो देवी एक बात बताओ, मेरे पति को दिखता नहीं है क्या आंखों से? पति क्यों आंखों से नहीं दिखता? नौकरानी ने कहा, नहीं दिखता। अरे तो वो नहीं देख पाते तो मैं संसार क्यों देखूं? एक पट्टी लिया अपने आंख पे बांध लिया, सब जानते हैं ना, आंखों में बांध लिया। अब देखने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है भाई, प्रतिप्रदान आ रही थी, लेकिन क्या ये उचित था? एक को दिखता नहीं है, दूसरे ने पट्टी बांध ली, संसार का पतन कैसे होगा? ऐसे अब क्या होगा? अब बीज सभा में द्रौपदी नग्न की जाएगी, कोई बोलेगा नहीं। अब क्या होगा? पांच वंचित बालकों को दर दर भटकना पड़ेगा, गांव गांव भटकना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा। अब छल होगा, अब बल का प्रयोग होगा, लाक्षागृह में जलाए जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने भी पट्टी बांध ली। और धृतराष्ट्र तो मोह में बिल्कुल परेशान थे। देखिए महाभारत में धर्म के दो अवतार हैं, पांडवों के भी पक्ष में धर्म है, कौरवों के भी पक्ष में धर्म है। पांडवों के पक्ष में जो धर्म है उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, और कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उनका नाम है विदुर जी महाराज। लेकिन पांडव धर्म को आगे करके चलते हैं, जो युधिष्ठिर जी कहते हैं वो सब मानते हैं। और कौरवों के यहां क्या हुआ, इन्होंने तो पट्टी बांध ली, और धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन बड़ा बुरा भला कहता है विदुर जी को, और विदुर जी को भगा दिया, देश निकाला कर दिया। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं, दुर्योधन मां मां गांधारी जो थी, दुर्योधन की मां गांधारी, इनकी भूल के कारण और अंत तक मोह ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अंत में इन्होंने क्या किया, कथा विदित है आप सब जानते हैं, मैं इस कथा में नहीं जाऊंगा ज्यादा, अपने विषय पे आएंगे। आप सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध विश्राम पे था, तो गांधारी ने कहा अपने बेटा दुर्योधन से कि रात के दूसरे पहर में तू नग्न होके आ जाना, मैं पट्टी खोल दूंगी। आप देखो खुद मनमुखी तरीके से पट्टी बांधी, मनमुखी तरीके से, और आज फिर कह रही हैं कि मैं अपनी पट्टी खोल दूंगी, तू आना। अब नग्न होके आ रहे थे, भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा अगर पट्टी खोलेंगी तो शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा, मरेगा कैसे। तो क्या किया, इनके कमर में पत्ता लपेट दिया,
ऐसे नग्न होके जाओगे माँ के सामने इस उम्र में, माँ की गोद में खेले, बोले तब तुम छोटे थे। ये गए, मैया ने पट्टी खोला और देखा तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, मात जंघा इनका बच गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने द्रौपदी को रजस्वला द्रौपदी को 20 सभा में खींच के लेके आए थे, और यही दुर्योधन अपने जांघ पे बिठाने की बात कर रहा था। उस समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इनका जंघा तोड़ के रहूंगा। यदाम ढे कौरव सृंजया नाम तो वीर तो मैं जंघा इनका तोड़ के रहूंगा। और आज देखिए ये उसी का परिणाम है, जो भी हमारे अच्छे बुरे कर्म होंगे उनका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। मनमुखी तरीके से कोई पूजा पाठ नहीं करते। गांधारी ने पतिव्रता बन के पट्टी बांध ली, जिसके कारण कितना बड़ा महाभारत हुआ। पति को नहीं दिखता था, पत्नी चाहती तो पति का सहारा बनती कि नहीं बनती, लेकिन इसके कारण इतना इतना बड़ा बवाल। पूजा को आप क्या समझिए, पाठ को क्या समझिए, व्रत को क्या समझिए, उपवास को क्या समझिए, दान को क्या समझिए, ढंग से करिए। जैसे बिजली आप लोगों के घर में है, बिजली है, अच्छा बिजली का अगर नंगा तार छू लीजिए तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ बताइए आप लोग, कभी छुआ नहीं क्या, आज छू के आइए। बिजली का नंगा तार छू लीजिए तो पटक देगा, क्या करेगा, पटक देगा ना, कि नहीं पटकेगा, कि मालिक है हर महीना बिल देते हैं छोड़ दें, जाने दिन को भाई हर महीना देते हैं, नहीं ना। जान के छुएंगे तो पटकेगा और अनजान में छुएंगे तो पटकेगा, पटकेगा ना, चाहे जैसे छुएंगे। जिस तरह से बिजली में ताकत है उसी तरीके से भगवान का पूजा ढंग से करेंगे तो लाभ है और ढंग से नहीं करेंगे तो हानि है। इसीलिए इन ग्रंथों की महिमा बताई गई कि ग्रंथों में आप आइए, ग्रंथों में सुनिए और फिर उसका अमल करिए, मनमुखी नहीं। एक व्रत बहुत चला है, करवा चौथ का व्रत, माताएं बहने रहती हमारी, दूसरे दिन पेपर में निकला पति ने किया साड़ी लाने से इनकार, पत्नी ने पति को ही आग लगा दी, पत्नी ने पति को फूंक दिया कि नहीं साड़ी लाओगे लो आज खत्म। ऐसा व्रत करने से क्या फायदा। इसलिए आपको क्या करना है, शिव महापुराण की कथा में सब कुछ विदित है। जब बृहस्पति सिंह राश में स्थित हो उस समय सिंह राश से युक्त भादों के महीने में गोदावरी नदी में स्नान करना चाहिए। किस नदी में, कब करना चाहिए, जब बृहस्पति सिंह राश में हो। अब आप कहोगे ये क्या है, सूर्य भगवान एक राशि पे एक महीना रहते हैं, 12 राशियां हैं, कितनी राशि हैं, 12। राशि बदलने को संक्रांति कहा जाता है, राशि बदलने को, यानी एक महीने में सूर्य भगवान राशि बदलते हैं। उसी तरीके से जब सिंह में बृहस्पति हो तो उस समय गोदावरी में स्नान करना चाहिए। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों कन्या राशि में स्थित हो तो यमुना और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए। इस तरीके से बताया गया, तीस काल पात्र का ध्यान किया गया। सूर्य संक्रांति में दान करने का फल अधिक है, जब तब दान भी नहीं कर देना चाहिए। सूर्य संक्रांति यानी जब सूर्य राशि परिवर्तित करता है, आप लोग एक संक्रांति जानते होंगे, कौन सी, मकर संक्रांति। तो हर 14 तारीख को 15 तारीख को सूर्य भगवान बदलते हैं एक महीने, यानी महीने के 14 या 15 तारीख को संक्रांति पड़ती है। उस दिन जो दान किया जाता है उसे साधारण दान की अपेक्षा 10 गुना फल मिलता है। सूर्य जब दक्षिणायन हो तो विषुवत रेखा में हो उस समय दान करने पर उसका भी 10 गुना फल मिलता है।
चंद्र ग्रहण में दान करने से उससे भी ज्यादा फल, सूर्य ग्रहण में दान करने से उससे भी ज्यादा फल। दान का उत्तम पात्र कौन है? बोले तपोनिष्ठ योगी, साधक ब्राह्मण, ज्ञाननिष्ठ यति अथवा 24 लाख गायत्री करने वाला द्विज ही दान का उत्तराधिकारी है। जो बिना मांगे दान दे दिया जाए, बिना मांगे, आपसे कोई मांगे ना और आप दे दीजिए, जो बिना मांगे दान दिया जाए वो उत्तम दान कहलाता है। मांगने के बाद जो दान दिया जाए वो मध्यम दान कहलाता है, और मांगने के बाद भी जो न दिया जाए वो दान नहीं कहलाता। दान का भी अपना नियम है, मैं कहता रहता हूं हर जगह आपको समझाने के लिए। दान का भी एक लोग अपने तरीके से मतलब निकालते हैं, जथा शक्ति तथा भक्ति, जैसी हमारी शक्ति है वैसी भक्ति, लेकिन ये शब्द गलत है। अगर आपके शक्ति की बात होगी तो जितना आपने कमाया है उसका दसवां भाग दान करना चाहिए, है ना? और सीए बुला के बैठा दिया जाए अब तक कितना कमाया, तो घर बार भी बिकने लगेंगे। इसलिए दान के और घर फूंक के दान करने का कोई नहीं है। दान कैसे किया जाए समझिए, जैसे आपकी कमाई मान लिया 8 रुपए है, सपोज दैट 8 रुपीज ओनली, 8 रुपए है, 2 रुपए आप अपने लिए रखिए, 2 अपने लिए, 2 रुपए अपने परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए रखिए, भाई बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी तो काम बनेगा। इसके बाद जो 2 रुपया बचे उस 2 रुपए को नाते रिश्तेदार के लिए रख लीजिए। अब आप कहोगे रिश्तेदार के लिए क्यों रख लें? जब धन बढ़ता है तो रिश्तेदार भी खूब बढ़ते हैं, चाचा के दीदी के नाना के भाई के मामा के साला हैं। आ जाए गरीबी तो कोई पूछता नहीं, और आ जाए अमीरी तो कोई छोड़ता नहीं। और समय से अगर उनकी मदद नहीं कर पाए आप, तो आपके सबसे बड़े शत्रु वही होंगे, इतने बड़े रुपया वाले हैं हमारी मदद नहीं की। अब इसके बाद जो 2 रुपया बचे उस पे भगवान का हक है, उसे दान करना चाहिए। वो आप पचा नहीं सकते, या तो डॉक्टर ले जाएंगे, या तो वकील ले जाएंगे, या तो पुलिस वाले ले जाएंगे, और या तो कहीं ना कहीं वो। और अगर आप धर्म में खर्चा कर देते हैं तो आप भी आनंदित, भी आनंदित। ये भागवत जी की कथा, राम जी की कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, जहां हो रही हो वहां जाकर के दान पुण्य कर दीजिए। किसी गरीब की बिटिया हो जो पढ़ ना पा रही हो, उसे पढ़ाई करवा करके दान पुण्य कर दीजिए, विवाह करा के दान पुण्य कर दीजिए। जहां आवश्यकता हो वहां पे आगे बढ़ के दान करना चाहिए। ये तो समझाने की बात है जो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको कितना भी कर दो फिर भी वो उनके जेब से निकलता नहीं। भक्तमाल की एक कथा आती है, एक व्यक्ति बहुत कंजूस थे, कभी दान पुण्य नहीं किया तो उनका नाम ही पड़ गया दानी दानचंद। लोग चिढ़ावे, अरे दानचंद आ रहे। प्रयागराज के पास उनका रहना था। एक बार पत्नी ने कहा, अरे कम से कम गंगा तो नहा आओ, जिंदगी में कुछ नहीं किए। बोले कैसे जाएंगे? बोले साइकिल से ही चले जाओ, किराया खर्चा कर नहीं सकते। साइकिल से गए, नहाने के लिए जब गए तो घाट पे नहीं गए, मुर्दा घाट पे गए। घाट पे क्यों नहीं गए? बोले घाट पे पंडा रहते हैं, लूट लेंगे। और मुर्दा घाट पे जो अपने घर की कोई सीट खाली करता है तब वहां जाता है। मुर्दा घाट पे गए, भगवान भी बड़े कौतुकी। जैसे इन्होंने डुब्बी लगाई, भगवान पंडा के रूप में आ गए, कपड़ा इनका उठा लिए। बोले यजमान की जय हो। ये बाहर निकले, बोले आप कौन? बोले हम पंडा। दानचंद ने कहा यहां भी नहीं छोड़ा,
ये मुर्दा घाट पे भी चले आए। पंडा जी ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं और आप जैसे कभी कभी सेठ जी आ जाते हैं, इतना दे देते हैं कि साल भर हमारा बड़े आराम से चल जाता। सेठ जी ने कहा हम तो एक चवन्नी नहीं देने वाले। पंडा जी ने कहा तो कपड़े नहीं देंगे, निकलो फिर बाहर। बड़ी कहा सुनी हुई। तो पहले के समय में चलता था एक धेला, चलता था ना, तो इन्होंने एक धेला लिखा दिया। होता है ना, हम लोग जाते हैं तो पंडा जी को लिखा देते हैं, बाद में पंडा जी आके वसूल के ले जाते हैं। एक धेला किसी तरीके से लिखवाया, धनचंद वापस आए। अभी आए ही थे, दो दिन तीन दिन बीता कि पंडा जी पहुंच गए वसूली करने। दरवाजा खटखटाया, इनकी पत्नी ने खोला, बोले यजमान की जय हो, कहाँ है दानचंद? पत्नी के पास गई, पति के पास गई, बोली कहीं कुछ बाकी कर आए थे, वही आए हैं लेने। पति ने कहा जाओ उनसे कह दो घर पे वो नहीं है। पत्नी बेचारी क्या करे, गई बोली घर पे नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं बैठेंगे, आएंगे ही, कहाँ जाएंगे, आएंगे। पत्नी अंदर गई, बोली वो तो यहीं बैठ गए, कहते यहीं बनाएंगे खाएंगे। पति ने कहा जाओ कह दो मर गए दानचंद। पत्नी ने कहा क्या बात करते हो आप, ये एक ढेलक लिए हो रहा है सब कुछ। बोले बोल दो मर गए। पत्नी आई बोली मर गए वो तो नहीं रहे, अब शरीर छूट गया। भगवान मुस्कुराए, अनंत रूप कीन तब काला, अनेक रूप भगवान किए, पूरे गांव में जाकर बता दिए कि दानचंद अब नहीं रहे। उनकी पत्नी से बोले तुम अकेली औरत क्या करोगी, अब हम इनको फूका के तभी जाएंगे। पूरे गांव में हल्ला कर दिया, गांव वाले आए, गांव की कुछ महिलाएं आईं, इसे उठाने लगे, ये सांस रोके पड़ा। पत्नी इसकी रो रही, अरे ये मरे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। गांव की औरतें कहती बहन तू ठीक कहती है, मरे नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। अरे नहीं सही नहीं मरे, बोले हाँ सही नहीं मरे। पत्नी बहुत गिड़गिड़ाई कि मरे नहीं, लेकिन किसी ने माना नहीं, घदीड़ लाया लेकर के आए, विमान बनाया गया, विमान पे रख दिया गया, सब लोग राम नाम सत्य है कहकर लेकर के गए, बंध गया उसी में। जब जलाने के लिए गए, चिता पे रखा गया, भगवान ने कहा ये जल जाएगा मर जाएगा लेकिन ढेला देगा नहीं, अद्भुत आदमी है। भगवान ने लोगों से कहा अब इनका अंतिम समय है, जरा इनके कान में कुछ हम मंत्र बोल दें। लोगों ने कहा भाई अब तो बोल दीजिए। भगवान ने उसके कान में कहा आया हूं वैकुंठ से तो से नाता जोड़। अरे मैं वैकुंठ से आया हूं, जैसे इसने आंख खोला देखा सामने पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। भगवान फिर हंसे, फिर कान में बोले अरे भैया मैं भगवान हूं, मैं हारा तू जीता, कुछ मांग ले। तो ऐसे ही इशारा किया उंगली से धीरे से। भगवान अपना कान लगा करके आए, लगाए। भगवान ने कहा था आया हूं वैकुंठ से तो से नाता जोड़, तो इसने कहा सब कुछ बाद में देखी जाए, बस ढेला दे छोड़, बस हमारा वही ढेला छोड़ दो, बाकी कुछ चाहिए नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोग गुप्त दान करवाते हैं। बोले महाराज जी हम नाम में नहीं यकीन रखते, गुप्त दान बोल दीजिए। बोल दिए फला की तरफ से 51,000। फिर धीरे से कान में बोले बोल दीजिए जिन्होंने दिया हो मंच पे ही खड़े हैं। फिर बोल दिए भाई मंच पे खड़े हैं, नीला शर्ट पहन के खड़े हैं, तुमने नाम है बता दो भाई, फिर जब सब कुछ बता दिए तो फिर काहे का गुप्त दान तुम्हारा। इस प्रकार से दान का नियम आया। अन्न दान के लिए कहा गया है कि अन्य शुद्धम पात्रम नारी नर्यात्मकम। बाकी दान में तो विचार करना है, लेकिन जब अन्न दान करना हो, भोजन कराना हो, तो भोजन किसी को भी कराया जा सकता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने जैसा दूसरा कोई पुण्य नहीं है।
कराया जा सकता है, लेकिन किसे कराया जाए? भूखे को। अभी पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष, पितृपक्ष में आप लोग भी भोजन कराते हैं ना पंडित जी को बुला के, पितरों के लिए अपने। अब पंडित जी को 12-15 घर भोजन करना होता है। अब आप पंडित जी को बुलाए हैं बढ़िया, अब कह रहे पंडित जी ये पकौड़ी हरी चटनी से खाइए, दादी को बहुत पसंद था ये चटनी, दादी ऊपर से देख रही है, जब तक जी रही थी एक दिन नहीं खिलाई बहुरिया, एक दिन नहीं खिलाई, और आज ये पंडित जी को खिला रही है। वो पंडित जी को 12 घर भोजन ऐसे करना है, जितना हो सके जीते जी खिला दीजिए, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, कोई जानता है? तो ऐसे नहीं, किसे खिलाना है? भूखे को भोजन। कोई भूखा व्यक्ति हो उसे भोजन कराइए, जब वो भोजन कर लेगा और अपनी आत्मा से जब वो आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद सिद्ध हो जाता है। तो जो अपनी आत्मा से आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद सिद्ध हो जाता है, इसलिए भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। आगे उच्छिष्ट का विचार है। उच्छिष्ट मतलब जानते हैं? उच्छिष्ट मतलब जूठा। जिस कपड़े को पहन करके आप सोइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा काम की बात, जिस कपड़े को पहन करके आप सोइए फिर पुनः उस कपड़े को पहन के पूजा पाठ नहीं किया जाता। जिस कपड़े को पहन के भोजन करिए पुनः उसी कपड़े को पहन करके पूजा पाठ नहीं किया जाता। एक कथा बड़ी प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे, उसके अर्थ कुछ और निकाले जाते हैं। भागवत जी में कथा आई है, दूसरा भागवत जी में कथा आई है, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए थे। सुना आप लोगों ने? चीरहरण किया था। तो चीरहरण क्यों किया था जानते हैं? इसमें दो बातें हैं। आध्यात्मिक कारण है कि गोपियां हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है माया का वही है चीर। लेकिन जो कपड़े लेने वाली बात है ये क्यों है? इस पे लोग बड़ा छींटा कसी करते हैं, अरे कपड़े चुराए। लेकिन यहां भी दो बात आप देखिए। पहली बात, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र उठाए उस समय भगवान की आयु मात्र 4 वर्ष की थी। कितनी? 4 वर्ष की। और भगवान ने वस्त्र क्यों लिए? गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी ऐसा कहा जाता है, जबकि गोपियां नग्न होकर स्नान नहीं कर रही थी। आप विचार करो, आज की जो आज हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र में मुंबई आपके बिल्कुल बॉलीवुड पूरा नंगा घूम रहा है, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या किसी कुलीन घर की स्त्री नग्न होकर के किसी तालाब या नदी में स्नान करेगी? कोई करेगी नहीं। तो उस समय कैसे करती? वो नग्न होकर स्नान नहीं कर रही थी। फिर जिस वस्त्र को पहन करके रात में सोई थी उसी वस्त्र को पहन के स्नान कर रही थी। ध्यान दीजिए, कभी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, कभी भी गंगा में स्नान करना हो, सरयू में स्नान करना हो, गोदावरी में स्नान करना हो, नर्मदा में स्नान करना हो, तो जाइए जहां पे आप रुकिए होटल्स, होटल में वहां रात्रि में रुकिए, उठिए, उठ करके अपना शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो करके आपको स्नान करके दूसरा कपड़ा पहनना चाहिए। उस कपड़े को पहन करके तब जाके नदी में नहाइए। हम पुरुष वर्ग तो वैसे नहा लेते हैं, लेकिन माताएं तो पूरा कपड़ा पहन के ही नहाती हैं ना, पूरा कपड़ा पहन के ही नहाती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि उस कपड़े को, वही यहां लिखा गया है उच्छिष्ट, हमें याद आ गया तो बोले इस पे भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जो लोग कहते हैं कि गोपियां नग्न होके नहीं नहा रही थी, एक मुहावरा है, जैसे कहा जाता है ना कि अरे देखो फला व्यक्ति तो नंगा है, उससे कौन बात करे, कहते ना नंगा आदमी है, तो क्या चड्डी बंडी खोल के नंगा हो गया? ये मुहावरा एक शब्द है। इस तरीके से वो गोपियां उच्छिष्ट वस्त्र पहन के स्नान कर रही थी। तो जो उच्छिष्ट वस्त्र हो उसे पहन के पूजा पाठ करना। और एक बात, जब आप स्नान करिए तो स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहनिए।
अगर वही पुराना कपड़ा गंदा पहन लेते हैं तो उस कपड़े का कोई महत्व नहीं है। रसोई में जाइए, रसोई में भोजन बनाइए तो जूता चप्पल पहन के भोजन बिल्कुल मत बनाइए। लोग बहुत माताएं कहती हैं हमारा किचन वाला चप्पल, ऐसा नहीं। पहले के समय में रसोई होती थी, क्या होती थी? रसोई, रसोई जो रस से भरी रहती थी। आज के समय में किचन होता है, किचन में जो जाओ तो किचकिच 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 किचकिच, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे अन्न खाएंगे वैसे आपका मन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए देश काल पात्र के बाद विचार किया गया कि किस तरीके से वस्त्र पहना जाए, किस तरीके से नहाया धोया जाए। आपको पूजा पाठ के लिए कुछ अलग से नहीं करना, गृहस्थ आदमी कितना पूजा कर लेगा। आप लोग क्या करते हैं, सावन में शंकर जी के मंदिर में लोटा बचता रहे, गणेश चतुर्थी आई तो फिर गणेश जी के पीछे, ये आ जाए क्या नाम है नवरात्र तो देवी जी के पीछे पीछे, वहां भीड़ लगी हुई है। गृहस्थ आदमी कितना कर सकता है। आपको केवल और केवल अपने कर्म को सुधार के ईश्वर को अपने मन में ही बसा के पूजा करना है। दर्शन सबका करिए, पूजा सबका करिए, किन आत्मा तुम गिरजा मतिम सहचरा, आत्मा तुम, अपनी आत्मा को भगवान शिव मानिए, अपनी बुद्धि को गिरजा मानिए। गिरजा मतलब माता पार्वती। आपके जो ये पंच प्राण हैं ही भोले बाबा के गण हैं। आप जो श्वास लेते हैं, श्वास जो सांस लेते हैं, इस सांस पे पल पल भोले बाबा का नाम आप जपते जाइए। सांसों की माला पे भोले बाबा का नाम पल पल जपते जाइए। क्यों? क्योंकि ये सांस भी गिनती की है। एक व्यक्ति का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था तो उसकी पत्नी ने कहा संत जी के पास चले जाओ। संत जी के पास गए, बोले भाई हम व्यापारी आदमी हैं गुरु जी, ज्यादा नहीं कोई ऐसी पूजा बताओ 24 घंटे में एक बार बोल दे। गुरु जी ने कहा 24 घंटा नहीं, हम एक बार बताएंगे पूरे जीवन फुर्सत, ऑल लाइफ टाइम वाउचर। अच्छा बस महाराज यही वाला पूजा बताओ, एक बार बोले, एक बार बोले पूरी लाइफ टाइम फुर्सत। अच्छा कौन सी पूजा? बोले भगवान का नाम मरने के दो महीने, मरने के दो मिनट पहले लेना शुरू कर देना, केवल दो मिनट की पूजा है बस। सेठ जी ने कहा लेकिन महाराज जी मरना कब है, मरना कब है? इस धरती पे केवल एक व्यक्ति थे परीक्षित जी महाराज, जिनको पता था कि मरना कब है। इसलिए श्वास श्वास पर शिव भज, वृथा सांस नहीं जाए, ना जाने यह सांस की आवन हो यह न हो। प्रत्येक सांसों पे भगवान के नाम की माला रख लीजिए। कुछ भी करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, घूमिए, टहलिए, चलिए, फिरिए, उठत श्याम चलत श्याम, श्याम श्याम आंखों में मोरे श्याम ही समाये हैं हमेशा, जैसे गोपियां थी गोपी भाव से। सांसों की माला पे भगवान के नाम का जप करिए। बोले शंकर भगवान की। सांसों की माला पे सुमरो में शिव का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला सुमरो में शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमरो में शिव का नाम। सभी लोग आइए प्रेम से सांसों की माला पे सुमरो में सीताराम शिव का नाम।
बोले शंकर भगवान की। रंग में ऐसी डूबी शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो बन गया एक हीरो। शिव के रंग में ऐसी डूबी शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते शिव की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सांसों की माला सांसों की माला पे कमरों में शिव का नाम। सांसों की माला कमरों में सांसों की माला पे कमरों में शिव का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है 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 प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष वो तो है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष। अपने आप से वध करके हो गई मैं बदला। सांसों की मालब सांसों की मालब सांसों की मालब 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 सांसों की मालब समझों में शिव का नाम। सांसों की मालब समझों में फिर ढीला चला गया।
दुख का विषय है। भजन आपको अच्छा नहीं लगा मतलब? अच्छा, कितने लोगों के समझ में आया, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? वो नहीं कोई उठाएगा। एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिए हमारे आर्गन वाले भैया का, बहुत बढ़िया गाते हैं भैया। हमारा गला बैठा हुआ है, भैया का पूरा सहयोग बहुत सुंदर है, नमन करते हैं। तो सांस सांस पे भगवान का भजन करना चाहिए। नैवेद्य भक्षण का विचार आया, आप लोग सुनते होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में शिव पुराण में लिखा गया, कहा गया है कि जितने जिस जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, शिव मंत्र की दीक्षा ली है, जिस जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली है वो प्रसाद कहीं का भी पा सकता है, लेकिन जिसने शिवलिंग की दीक्षा नहीं ली है, ऐसा व्यक्ति जहां चंड का अधिकार हो उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, बाकी सभी प्रसाद को पा सकता है। अब आप कहेंगे चंड का अधिकार कहाँ होता है? यदि कोई सामान्य शिवलिंग गढ़ के बनाया गया हो, व्यक्ति के द्वारा निर्मित हो, तो ऐसे शिवलिंग का प्रसाद जो शिव मंत्र की दीक्षा नहीं लिया उसे खाना नहीं चाहिए, उस पे चंड का अधिकार होता है। बाकी बाणलिंग का, नर्मदेश्वर का, सिद्धलिंग का, स्वयंभू लिंग का, इन सब में चंड का अधिकार नहीं होता है, इसे पाना चाहिए। कल मैंने आपसे निवेदन किया था शिव पूजा के चार अंग हैं, भस्म, रुद्राक्ष, पंचाक्षर मंत्र। ये तीन अंग हैं शिव पूजा के, भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र। जिसके पास ये है वो चलता फिरता तीर्थराज है। सौनक जी यहाँ पर कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान शिव जी का चरित्र सुनाइए। अब शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आप भाग्यशाली हैं जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनान्ति वक्तारं पृच्छका श्रोतुं जाह्नवी सलिलम्। ये बालक को ऐसे ऐसे सुला दीजिए, इधर पैर करके नहीं। शिव जी कहते हैं भगवान, सौनक जी कहते हैं भगवान शिव की कथा को पूछने वाला, कथा को कहने वाला और कथा को सुनने वाला तीनों धन्य है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। सौनक जी चौंक गए, बोले ब्रह्मा जी तो नारायण के भक्त हैं, हमेशा नारायण नारायण करते हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कैसे पूछा? बोले सुनो, हिमशैल गुहा कचिदेका परम शोभन यत समीपे सुर नदी सदा बहती हेमगिरी गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमालय की गुफा, हिमालय में एक गुफा है जहां नारद जी पहुंचे तो उनका मन लग गया। कल आपने सुना था ना कि पूजा का सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है? जहां मन लग जाए। नारद जी का मन लग गया। नारद जी को श्राप है दक्ष का कि नारद जी कहीं भी एक क्षण से ज्यादा
नहीं रुकेंगे, चलते ही रहते हैं। लेकिन आज तक, आज जब इनका मन लग गया तो भगवान के नाम का जप करने लगे। और सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, भगवान का भजन करने से जो श्राप की गति थी वो समाप्त हो गई। नारद जी आसन लगा करके बैठ गए, और जो आश्रम आसन लगा करके बैठे भगवान का भजन करने लगे। एक देवता है जिनका नाम है इंद्र। इंद्र का नट बोल्ट वैसे ढीला है, कोई भी तपस्या करने लगे तो लगता है गद्दी न चली जाए हमारी, कुर्सी के लिए सभी परेशान, कुर्सी हमारी न चली जाए, गद्दी न चली जाए, इंद्र परेशान। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव आया, खूब रचना बनाया, लेकिन नारद जी को डिगा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसी स्थान पर पहले भोले बाबा ने तपस्या की थी और कामदेव को वहीं दहन किया था। अब ये तो भोले बाबा की कृपा से नहीं हो रहा है। कामदेव ने कहा अब क्या करें, तो कामदेव ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। अरे महाराज, आपके जैसा कोई है, मैं आपके शरण में आ गया, आप तो भोले बाबा से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। उन्हें तो क्रोध आ गया था, लेकिन आपको तो क्रोध भी नहीं आया। जैसे नारद जी ने प्रशंसा सुनी आंख खोल दिया। ये प्रशंसा ऐसी सुगर है जो आपको बर्बाद कर सकती है। जब कोई आपकी प्रशंसा करने लगे तो आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि इस लायक हम हैं या ऐसे ही उठा रहे हैं, झाड़ पे चढ़ा रहे हैं चने के। प्रशंसा करने वाले क्या हैं, आपके मुंह पे प्रशंसा करेंगे, पीठ पे जाके ना जाने क्या क्या कहेंगे पीठ पीछे। प्रशंसकों से सावधान रहिए। भगवान की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा नहीं माननी चाहिए। आज नारद जी को लगा कि मेरी प्रशंसा हो रही है। नारद जी ने कहा, नेत्र खोल दिया, बोले सुनो, तुमने पराजय स्वीकार कर ली? कामदेव ने कहा हाँ महाराज, हमें क्रोध भी नहीं आया। बोले हाँ, आपको क्रोध भी नहीं आया। अपने राजा इंद्र से जाके कह देना कि उनके इंद्रासन का मुझे लोभ भी नहीं है। जाओ। बोले अरे महाराज, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। आपकी जब कोई प्रशंसा करे तो उससे आप देखिए क्या ये प्रमाणिक व्यक्ति है, जिसे उस विषय में जानकारी ही नहीं, वो कैसे प्रशंसा कर सकता है। अगर आप प्रशंसा सुनने के आदि हो जाएंगे, लोग आपको बर्बाद कर देंगे। ऊंचाई पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पे पहुंच करके रुके रहना बड़ी बात है, ऊंचाई पे टिके रहना बड़ी बात है। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, अरबपति बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनने के बाद उसी जगह स्थापित रहना, ये बड़ी बात है। नारद जी को अहंकार आ गया, जाकर के इंद्र से कहे। अब नारद जी सोच रहे हैं कि अब ये प्रशंसा अपनी बताएं किससे, वीरता की किस्सा किसे सुनाएं। नारद जी ने सोचा इस चीज को वही जान पाएगा जो इस विषय का जानकार होगा, है नहीं? अब भाई, चार का सामान आपने 14 में बेच दिया तो व्यापारी से उसकी चर्चा करेंगे ना, हमसे तो कर नहीं पाएंगे, किसे खोजा जाए। इन्हें याद आया कि भोले बाबा ने काम को जला दिया था, उनको क्रोध आ गया था, उनके पास चले, शंकर जी के पास चले, उन्हीं को प्रशंसा सुनाए। शंकर जी सोचे हो सकता है शंकर जी बुलवा करके सम्मानित करें कि भाई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब बुलावा नहीं आया तो खुद पहुंच गए। जो खुद पहुंच गए शंकर जी के पास, भोले बाबा ने उठ करके स्वागत किया, बिठाया। भोले बाबा को लगा कि नारद जी आए हैं तो राम कथा होगी। राम कथा होगी, नारद जी हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं।
लेकिन जब पहुंचे नारद जी तो नारद जी ने राम कथा ना सुना के काम कथा सुना। भोले बाबा नारद जी से कहते हैं, हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तुं श्रृणुमद्वच वाच्यमेवं न कोत्रापि हरे ग्रे विशेषतः। नारद जी, ये जो आपने अपनी काम कथा हमें सुनाई है ये भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। अगर वो नारद जी ने कहा महाराज जी कहीं वो पूछ ले तब, इनके तो मन में है सुनाएंगे, पूछ ले तब। बोले ना, पृच्छ मानो पिना भूया सवृत्या में युदोक्तम गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाचम कदा। कितना भी आपसे पूछे फिर भी आप इसे गुप्त रखिएगा, गोप्यम गोप्यम। नारद जी ने कहा चलिए नहीं सुनाते, वहां तो चल पड़े। लेकिन नारद जी को लगा कि भोले बाबा के मन में मेरे लिए ईर्ष्या आ गई है कि हम जीत नहीं पाए और ये कैसे जीत गए, ये कैसे जीत गए, मैं तो सुनाऊंगा। एक दिन नारद जी ने क्या किया, गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तल कर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, 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 एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, तल कर बीना, तल कर बीना। एक बार वीणा लेकर के नारायण 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 कहते हुए नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी विष्णु लोक में आए, विष्णु भगवान ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया और पूछ लिया, कुत्र आगमते तात किमर्थ मिह जागत धन्यत्वं मुनिसा तीर्थोहं तु तवागतमा। अरे नारद जी, आपके आने से मैं पवित्र हो गया, कहां थे इतने दिन से। नारद जी, तुम जैसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से क्रोधादि कामादि विकार नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने अपने मन में सोचा, लगता है इनको पता चल गया। बोले प्रभु, वो आपको तो पता चल ही गया होगा। भगवान ने कहा क्या। बोले आप नहीं जान पाए ना। बोले अच्छा, नहीं पता चला होगा। फिर वो हमने काम को जीत लिया ना, इसी में आजकल लोग बधाई देने वाले लाइन लगाए रहते हैं तो आ नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना, आप जान नहीं रहे क्या हम कितने व्यस्त हैं। किसी भी नए अमीर के यहाँ आप पहुंचेंगे तो अपने सोफा का दाम भी गिना देगा वो, इतने का खरीद के लाया, इतने का ये, इतने का इंटीरियर, इतने का ये डिजाइन, सब बता देगा। भगवान ने सोच लिया कि इन्हें नारद जी को कुछ न कुछ रोग ने पकड़ लिया। तो इलाज दो प्रकार से होता है, एक औषधि, दूसरा ऑपरेशन।
भोले बाबा ने मानो औषधि दी कि बताइएगा नहीं, लेकिन औषधि से काम नहीं चला तो नारायण तो सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने 100 योजन का नगर बनाया, माया का नगर। उस नगर के राजा का नाम हुआ शीलनिधि और उनकी कन्या का नाम श्रीमती। रामचरितमानस में थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां कन्या का नाम विश्वमोहिनी है, उसी पुराण में श्रीमती। नारद जी जा रहे थे, ऊपर से जो नगर देखा ऐसा तो देखते रह गए, पहले नहीं कभी देखा। उतर करके गए, जो उतर करके नारद जी गए, राजा शीलनिधि ने प्रणाम किया और अपनी कन्या को बुलाए, अपनी कन्या को बुला करके प्रणाम करवाया। नारद जी ने जो उस कन्या की सुंदरता को देखा तो देखते रह गए, अभी काम को जीत के आए थे ना, देखते रह गए। हाथ दिखाया, जो हाथ दिखाया तो उसके हाथ में था, इनका विवाह उसी से होगा जो अजर अमर होगा। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाए। जब दिमाग कहीं और होता है ना तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, आदमी कहता कुछ और है, सुनता कुछ और है, बोलता कुछ और है। नारद जी देखते रह गए, एक नारद जी का बस एक ही, किस तरीके से ये मिल जाए हमें बस। और आज ही स्वयंवर था। नारद जी वहां से निकले, ऐसा वर्णन आता है कि नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं जिससे कन्या मुझसे विवाह कर ले। नारद जी ने सोचा मैं सुंदर हो जाऊं तो कन्या निश्चित मुझसे विवाह कर लेगी, किंतु मुझे सुंदरता देगा कौन? दो लोग सबसे ज्यादा सुंदर हैं। कौन कौन? एक राम, दूसरे काम। कामदेव भी बहुत सुंदर है, तो सुंदरता मांगू किससे? काम से मांगू क्या? फिर नारद जी के मन में आया, नहीं, काम हमारा हितैषी नहीं है, राम जी हमारे हितैषी। राम जी से मांगो। बैकुंठ की तरफ बढ़ने लगे, भगवान रास्ते में प्रकट हो गए। बोले नारद जी बड़े जल्दी में हो, बोले आप ही पास आ रहा था। भगवान ने कहा बताइए। नारद जी ने कहा अपना चेहरा उधार दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले ये चेहरा भी उधार देने वाली बात? शादी? बोले शादी करेंगे, विवाह करेंगे। अरे शादी विवाह में लोग गाड़ी उधार मांग लेते हैं, कपड़ा उधार ले लेते हैं, कहीं कहीं बराती भी उधार आ जाते हैं, लेकिन अब चेहरा क्या करेंगे? बोले चेहरा चाहिए। भगवान ने कहा चेहरा हमार और बियाह तुहार, चेहरा हमारा रहेगा और शादी तुम करोगे। नारद नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देऊं प्रमोई, आन भात नहीं पाऊं कोई, दूसरा कोई विधान नहीं बन रहा। लेकिन आप देखिए यहां आपके समझने वाली क्या बात। इतना कहने के बाद नारद जी ने एक बात कह दी जिससे नारद जी पतन से बच गए। क्या कह दी? जही विधि होई नाथ हित मोरा, 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 जही विधि नाथ होई हित मोरा, जही विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सबे की साथ में तोरा, करहो सबे गो साथ में तोरा, करहो सबे साथ में तोरा, करहो सबे गो साथ में तोरा, जही विधि होही नाथ हित मोरा,
नारद जी की प्लानिंग में ये पहले से नहीं था, लेकिन आपके किए गए सत्कर्मों का वो फल है, सत्कर्मों का फल है। आप कहते हैं ना पूजा पाठ का क्या फल है, इसका क्या फल है, उसका क्या फल है, उसका यही फल है कि समय से एक बात याद आ गई जिससे नारद जी का पतन नहीं हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु आप मुझे दीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, वही करिएगा जिससे परम हित हो जाए। इसी बात ने बात बना ली। भगवान ने क्या कहा, नारद जी आप हित की बात करते हो, जहि विधि हो या परम हित नारद सुन हूं तुम्हारा। नारद जी आप हित की बात करते हो, हम तो ऐसा करेंगे कि आपका परम हित हो जाए। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया। क्या बना दिया, बंदर, मरकट वेश भयंकर देह। लेकिन ऐसा बंदर नहीं बनाया कि सब देखें, केवल विश्व मोहिनी ही इनको बंदर के रूप में देख रही थी। भगवान ने उपहास नहीं कराया, भक्तों का उपहास भगवान नहीं कराते। दो शिवगण पीछे पीछे भोले बाबा ने लगा दिया था, तो शिवगणों ने कहा अरे इनके पीछे बैठे थे, अरे धन्य है वो माँ जिसने इतना सुंदर राजकुमार पैदा किया, कितना सुंदर है, कितने अच्छे हैं। उन शिवगणों को भी दिखाई देते थे। अब नारद जी सुन रहे हैं और चौड़े हुए जा रहे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर और चौड़े। एक ने कहा लगता है इन्हीं से विवाह होगा, अब तो और पीछे घूम के देख लिया, अरे कहां से आए हो भैया, आगे आओ तुम, पीछे पीछे कहां भाग आगे आओ। क्या कह रहे थे, बोले आप की सुंदरता तो बहुत सुंदर है आप। नारद जी ने कहा अरे तो ऐसे थोड़े शादी करने आए। अच्छा नारद जी, अरे कहीं वो उस गेट से ना निकल आए और आपको देखे ही ना तो सुंदरता किस काम की। नारद जी ने कहा भैया तुम बड़े प्रिय हो हमारे, विवाह हो जाने दो, तगड़ी पार्टी तुमको देंगे पहले। उस गेट पे दौड़ के गए ये दोनों पीछे पीछे, कुछ देर बैठे थे वहां पे। फिर शिवगणों ने कहा बाबा हमें लगता है कि उत्तर दरवाजे से आएंगी। अच्छा भैया वहां चलो बाबा, नहीं तो कहीं उधर से निकल गई तब आपको ना देखें तो बाद में किसी को माला पहना देंगी तो पछतावा होगा, बाद में आपको देखेंगी तो फिर इतना सुंदर आप। नारद जी उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पूरब द्वार, पश्चिम द्वार, ऐसे दौड़ते रहे, खूब दौड़ाया। जो खूब दौड़ाया नारद जी को, तब तक भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। विश्वमोहिनी ने उनको, श्रीमती ने उनको माला पहनाया, अंतर ध्यान। अब घूमे पीछे नारद जी और दोनों हंसने लगे। शिवगण बोले तुम तो कह रहे थे भैया कि हम ही सबसे सुंदर हैं। दोनों ने कहा जाके अपना मुंह तो देख के आओ पानी में, बड़े हाई सुंदर। हंसने लगे। जैसे ही नारद जी ने पानी में अपना मुख देखा, जो भयंकर विकराल विकराल रूप। अब नारद जी को क्रोध आया। अभी देखिए, अभी बोले थे काम नहीं आया तो काम के पीछे घूम रहे थे, अब क्रोध। और क्रोध कैसे आया कि नारद जी की ओंठ बिल्कुल फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हुई, ओंठ फड़फड़ाने लगे। नारद जी ने कहा देव हूं श्राप की मरी हो जाई, आज मैं श्राप दे दूंगा विष्णु को, या तो मर ही जाऊंगा, या तो मर ही जाऊंगा, जगत मोर उपहास कराई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब तक देखा कि दोनों शिवगण भागते जा रहे थे, बोले भवेताम राक्षसो विप्रो ते तदाकृति। हे शिवगण राक्षस हो जाओ तुम दोनों, उपहास करते हो मेरा। शिवगणों को राक्षस होने का श्राप दिया और आगे बढ़े। फरकत अधर कोप मन माही, सपत चले कमलापति पाही। बोले आज तो देव हों श्राप की मरी हों जाई, जगत मोर उपहास कराई, आज नहीं छोड़ूंगा।
जैसे जा रहे थे तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। और कैसे मिले? संगरमा सोई राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। आप तो नाराज जी का क्रोध और बढ़ गया, बोले तुम मेरी एक नहीं होने दी, अपना दो दो लेके घूम रहे हो, यहां एक विवाह नहीं होने दिए। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहना, भरोसा हम न सहते महामायन नासया। अरे हरि तुम महादुष्ट हो, महाकपटी हो, दूसरे का सुख तुमसे देखा नहीं जाता। अरे मोहिनी रूप मादाय कप्तान कृतवान पुरः असुरेभ्यो सत्यं वरुणी मृतम नहीं। मोहिनी रूप लेकर के तुमने असुरों को छला, उन्हें वारुणी पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया, अपने आगे किसी को समझते नहीं हो। जो अमृत निकला तो देवताओं को पिलाया, और मथत सिंधु रुद्रही बौराही, और जैसे विष निकला तो भोले बाबा को दे दिया। लेकिन आज तुमने बहुत सही घर में न्योता भेजा है, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बंचो मोहि जवन धर दीरा सोई तन धर हो श्राप मम एहा, मैं श्राप देता हूं तुम्हें, जैसे तुमने मुझे स्त्री के विरह में इधर उधर घूमने के लिए विकल किया, और जो रूप लेके राजकुमार का तुम प्रगटे थे यही रूप लेके नारी के विरह में तुम भी घूमोगे। और सुनो महाराज, कपि आकृति तुम कीन हमारी, आपने मुझे बंदर बना दिया, बंदर को नीच समझते हो, करी है की सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा कि इसका मतलब मेरे राम जी को बंदर बड़े प्रिय हैं, तो अब मैं अब की बार जब अवतार लूंगा तो बंदर के रूप में ही अवतार लूंगा, इसलिए भोले बाबा साक्षात हनुमान जी महाराज बन के अवतार लेते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब नारद जी श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं, श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। भगवान ने कहा नारद जी हो गया। नारद जी ने कहा अभी जानते नहीं हो, भगवान ने तुरंत माया गया आपकी, न रमा न राजकुमारी। जैसे माया हटी नारद जी कांपने लगे, बोले मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, ये तो अनजाने में हो गया, मृथा होए मम श्राप कृपा, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा, आपने मेरी इच्छा से किया, जो भी किया सब में भोले बाबा की कृपा है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान स्वयं तो श्राप ले लेते हैं लेकिन अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, ऐसे हैं हमारे भगवान। आज भगवान ने स्वयं श्राप ले लिया लेकिन नारद जी को काम क्रोध आने नहीं दिया। नारद जी कहते हैं अब मैं क्या करूं, नमे शिव नामोस्ति प्रिया स्वामी सुख, अब मैं क्या करूं। भोले बाबा का नाम जपो जाकर, क्या करो, जा ही जपहू शंकर सत नामा, आप जाइए जाकर के शिव जी का नाम जपिए। भोले बाबा को राम जी प्यारे हैं, राम जी को शिव जी प्यारे हैं, आप जाइए। जा करके उनका नाम जपिए, और नाम जप करके भोले बाबा की कृपा मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि भोले बाबा दीन दुखियों की दूर दुख को दूर करने वाले हैं। भोले बाबा दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। नारद जी गए जा करके शिव क्षेत्रों में घूमने लगे, और घूमते घूमते बोले शंकर भगवान की, ये सब पूरा जाम है,
लेकिन फिर भी आप लोग इतने अच्छे हैं, हम तो सोचे थे आज चलें आज खाली भजने भजन गाएंगे, इनको 10-12 भजन लिख बता दिए थे भैया को, लेकिन आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, ना कोई किसी से बातचीत, ना कुछ, इतने आराम से बैठे हैं, स्थिति नहीं है हमारी कथा करने लायक, लेकिन आप लोगों की बार जोरदार तालियां अपने लिए। और हमारे जो अब तक के यजमान रहे, प्रथम दिन के यजमान हमारे अशोक अग्रवाल जी और संतोष अप्पा जी, सतीश अप्पा जी दुकानदार जी, द्वितीय दिवस में सुभाष जी अप्पा जी बोधे, गोपाल जी मरोठे, और आज रविंद्र दगटापा बोंद्रे जी, कैलाश सेठ, राधे स्याय जी, राजू भाई समझ लीजिएगा अपना नाम, क्योंकि ये हमारे उमेश भैया ये इराक अमेरिका से आके लिखे होंगे। एवं जोरदार ताली आप सबके लिए। बस एक निवेदन ये मैं देख रहा था कि मतलब सही है कि नहीं, अशोक अग्रवाल जी हमारे यजमान जी बैठे हैं, मैंने बताया ही था, अब आप लोग जानते होंगे कि 200 गौ माता, 200 है ना, हाँ 200, क्या बात है, बाजोदा ताली हमारे भैया के लिए, गौ सेवा ही परम सेवा है। और बारिश बढ़िया चकाचक हो रही है कल से लेके आज तक बढ़िया, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ी सी अपनी संख्या क्या करिए, बढ़ाइए। अग्रवाल जी से भी निवेदन है, अशोक जी से, कि राजस्थानी समाज को अपने आप जोड़िए, लिंगायत समाज से भैया अप्पा जी लोग बैठे हैं, आप लोग भी थोड़ी सी बारिश कम हो संख्या बढ़ाइए, है ना। परसों हम लोग शिव विवाह की कथा का आनंद लेंगे, किसका, शिव विवाह का, क्यों, क्योंकि शिव विवाह में बराती घराती तो होने चाहिए। तो अगर बरसात का मौसम बढ़िया रहा, देखिए ये लोग भी तो आए हैं कि नहीं आए, तो ऐसे ही बाकी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वो बनाइए। और ये कथा जो है इसका डी लाइव प्रसारण हो रहा है, कथा का डी लाइव, चैनल का नाम है संस्कार प्रवाह, क्या नाम है, जो लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो कर ले, कितने लोगों ने किया है जरा हाथ उठाइए, अच्छा अभी किसी ने नहीं किया, तो आप लोग अपना अपना यूट्यूब निकाल करके संस्कार प्रवाह चैनल कर लीजिएगा, और इसके बाद जितने आपके समाज के लोग हैं, आपके लोग हैं, सबको भेजिएगा कि यहाँ कथा चल रही है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास, क्योंकि तो आज 3 दिन हो ही गया, 6 दिन बचे हैं, तो थोड़ी सी संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी। आज भैया कह रहे थे कि बरसात ना होता तो आज ही फुल हो जाता, तो थोड़ा सा इससे ये भी रहेगा ना कि इससे लिंक ले करके निकाल के सबको भेजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके सबको भेजिएगा कि हाँ कथा चल रही, कथा आइए सुनिए, और अपने अपने समाज को थोड़ा सा आप लोग जोड़िए और जोड़ के आनंद लीजिए, क्यों। और उसी के साथ साथ बाबा से एक प्रार्थना करिए, क्या प्रार्थना करना है, कर दो दीनों के दुख दूर वो बाघांबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर वो बाघांबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर वो बाघांबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर वो बाघांबर वाले, कर दो सभी के दुख दूर वो बाघांबर वाले, कर दो सभी के दुख दूर वो बाघांबर वाले, हर हर महादेव।
कोई चढ़ावे शिव जी चले ओरे, कोई चढ़ावे शिव जी, कोई चढ़ावे शिव जी चले दूध धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जलोर धारा, और चढ़ावे और कोई चढ़ावे शकूरे पैगंबरे वाले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा, 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 कोई चढ़ावे काचो दूध वो पैगंबर वाले, कोई चढ़ावे काचो दूध वो पैगंबर वाले, ओहो पैगंबर वाले, ओहो पैगंबर वाले, ओहो पैगंबर वाले, ओहो पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर वो हरी बेल की पत्तियां चंदन, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन, हरी हरी बेल की, हरी हरी बेल की, हरी हरी, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन, हरी हरी बेल की पत्तियां चावल, हरी हरी बेल की पत्तियां चावल, और चढ़ाऊं फल फूल वो पैगंबर वाले, और चढ़ाऊं फल फूल वो पैगंबर वाले, और चढ़ाऊं फल फूल वो पैगंबर वाले, और चढ़ाऊं फल फूल पैगंबर वाले, जय हो पैगंबर वाले, जय हो पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दोनों हाथ भर करा, दोनों हाथ भर करा, कर दो तीनों के दुख दूर ओ पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर ओ पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर वो पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर वो पैगंबर वाले। अख धतूरा शिव जी भोग लगत है, अख धतूरा शिव जी भोग लगत है, भोग लगत है हाँ भोग लगत है, भोग लगत है हाँ भोग लगत है, भंगिया पियो रे भर पोर ओ पैगंबर वाले, भंगिया पियो रे भर पोर ओ पैगंबर वाले, जय हो पैगंबर वाले, जय हो पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, भोले पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर वो पैगंबर वाले, कर दो तीनों के दुख।
दुख सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के राम तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के हाँ नैना मिलाए के नैना मिले के मोसे नैना मिलाई के नैना मिले के मोसे नैना मिलाई के छप तिलक सब अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी भोले मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी शिवजी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी शिवजी मर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी बाबा मर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी बाबा मर्जी तुम्हारी अर्जी करो न मंजूर वो तीनों के दुख दूर वो बाघंबर वाले कर दो तीनों के दुख दूर वो बाघंबर वाले कर दो तीनों के दुख दूर वो बाघंबर वाले कर दो तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले कर दो तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले बाघंबर वाले कितनी शांति है, कितनी शांति है। ये बात जोर और ताली हमारे माताओं बहनों के लिए। जो भगवान की कथा में नृत्य करता है वो 84 में नाचने से बच जाता है, और जो बेटा बेटी के शादी में घोड़ा घोड़ी के आगे नाचता है, हाँ, जब बेटे की शादी होती है तो 60 साल की माई भी जोरदार नृत्य करती है, वो 84 में नाचता रहता है ऐसे। तो भगवान की कथा में तो भाव नृत्य करना चाहिए, और हमारी आई ताई लोगों ने बहुत सुंदर नृत्य किया। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई, पूछ लें। हमारे मन में जो समझ में नहीं आता पूछ लेते हैं, बुरा ना मानिएगा। ये जो खंभा लगा है ये, अरे पीछे नहीं, ये लगा नहीं है सामने मेरे, तो खंभे की इधर वाले जो हैं ये लोग नृत्य कर लेते हैं, और खंभे की इधर वाले नहीं तो ये मतलब दूसरे देश से आए हैं। मतलब ये तो लग रहा है कि हमारा कश्मीर है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर है क्या? हाँ, मैंने देखा कि इधर वाले थोड़ा और इधर वाले। अच्छा, ऐसा नहीं है, अभी बारी का इंतजार कर रहे होंगे कि अभी ये लोग कर ले, बाद में हम भी कर लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कर दो दीनों अलर्ट रहिए, कर दो दीनों के दुख दूर वो बाघंबर वाले। भोले बाबा को कुछ चाहिए नहीं, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता भगवान, गरीबों के देवता शंकर। एक लोटा जल ले जाइए चढ़ा दीजिए, भांग पत्ती मिले कहीं उखाड़ लीजिए, और इनके सामान का कभी समस्या भी नहीं होती है, क्योंकि जो ये लेते हैं वो कोई दूसरा नहीं लेता। भांग कौन लेगा, धतूर कौन लेगा, यही भगवान बोले ना। लेकिन समझने वाली एक बात,
पहले जब घर से हम लोग लोटे का जल लेकर जाते थे ना, तो हमारा वास दोष पितृ दोष समाप्त हो जाता। आज के समय में मोटरसाइकिल पे कार पे बैठ के मंदिर पहुंचे, वहीं का लोटा वहीं का जल वहीं शंकर जी, घागा घागा उड़ेल दिए, इससे कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, नगर का संत, संत का नगर में आना भाग्य होता है, ध्यान से सुनिएगा, संत में, संत का नगर में आना भाग्य होता है। हमारे गांव में अगर आ जाएं तो सौभाग्य होता है, उनकी कुछ हम सेवा कर सके तो महाभाग्य होता है, लेकिन इतने के बाद भी हम ना बदलें तो यह हमारा दुर्भाग्य होता है। हमारे आपके बीच में श्री अवध धाम से पधारे हुए नंदीग्राम से, जो भरत जी महाराज की तपोस्थली है, श्री स्वामी राम बालक दास जी महाराज आपके बीच में आए। महाराज जी का शपथ है, 501 महाराज जी ने राम कथा कराई, 501 भागवत कथा कराई, अब 108 शिव महापुराण का संकल्प है, जिसमें ये 33वीं या 34वीं कथा चल रही है शिव पुराण की। सब भक्त मिलजुल करके इस कथा का संपादन करते हैं। ये कथा मैं जैसे आपको बताया था पहले भी, ये इसीलिए रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, लेकिन धना अभाव में अगर वो न सुन पावे तो ये कथा रख दी गई है कि सामूहिक कथा हो, जिसमें सब लोग मिलजुल करके कथा हो जाए। रो यजमान बने, यजमान बन भी रहे हैं, और भी अधिक से अधिक संख्या में यजमान बनना चाहिए। जिनके घर में पितृ दोष हो, मैं फिर से बता दूं, पितृ दोष के लक्षण भोजन में बाल निकलना, घर में सब कुछ होने के बाद भी खटपट बना रहना, बच्चे आज्ञाकारी ना होना, कमाई बहुत होना लेकिन फिर भी खर्चा बढ़ चढ़ के होना, कभी कभी संतान उत्पत्ति में भी बाधा, ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं, सब पितृ दोष के लक्षण हैं। बार बार दवाई कराएंगे, आपका ये रहेगा, कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन होता रहेगा। इन सब से अगर बचना है तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है, इस शिव महापुराण में आइए और यजमान बनिए और अपने पितरों के नाम से पूजन कराइए, और इसी के साथ साथ कथा को श्रवण करिए और जीवन के अलभ्य लभ्य लाभ को प्राप्त कीजिए। बोले शंकर भगवान की, खुद सुनिए, खुद प्राप्त करिए, और आपके जो सगे संबंधी हो, मित्र हो, दोस्त हो, उनको भी प्रेरित करिए। धर्म का काम अगर जबरदस्ती प्रेरित करने पर भी किसी का भला हो जाए तो वो करना चाहिए। नारद जी गए और शिव क्षेत्रों में घूमते घूमते भोले बाबा के नाम का स्मरण कर रहे हैं। नारद जी को शिवगण मिल गए। नारद जी ने शिवगणों से कहा, भैया श्राप तो दे दिया, लेकिन तुम ही को नहीं दिया, उनको भी देकर आए हैं, तुम्हें भगवान का सानिध्य मिलेगा। लौट करके आए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से नारद जी कहते हैं, पिताजी मुझे शिव चरित सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शिव परब्रह्म परमात्मा है, जब कुछ नहीं था, न सूर्य न चंद्र न दिन न रात, तब वही थे, जब कुछ नहीं था वे भगवान शिव ज्ञान रूप अनंत परम ज्योति परमानंददायक आधार रहित निर्विकार निर्गुण योगिगम सर्वव्यापी निर्विकल्प निरालंब माया शून्य है। इन्हीं भावों को बाबा तुलसी ने व्यक्त किया है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाश वासम भजे। इन्हीं भगवान सदाशिव ने अपनी विग्रह की मूल प्रकृति अंबिका को प्रकट किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि का निर्माण, भोले बाबा निर्गुण निर्विकार रूप में थे, इन्होंने अपने ही अंश से शिव को प्रकट किया। किसे किया? शिव को। और जब शिव जी आए तो भगवान शिव ने शिवा यानी मात शक्ति को प्रकट किया।
शिव और शक्ति दोनों ने मिलकर के आनंद वन का निर्माण किया काशी। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? काशी में, आनंद वन का। आनंद वन में शिव और शिवा दोनों रहने लगे। लेकिन हुआ कि अब और सृष्टि बनाई जाए, तो भोले बाबा ने अपने मानसिक, अपने मन से एक व्यक्ति को प्रकट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा विष्णु। शिव पुराण के अनुसार क्या नाम रखा? विष्णु। क्योंकि ये व्यापक हैं इसलिए इनका नाम होगा विष्णु। विष्णु भगवान ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। जो तपस्या की तो उनके शरीर से पसीना निकला, और इतना पसीना निकला कि वही जल का रूप ले लिया, चारों तरफ जल ही जल हो गया। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और उस जल में होने के कारण से इनका नाम पड़ा नारायण। नार मतलब पानी, और अयन मतलब घर, यानी जल ही जिसका घर है उसका नाम है नारायण। अब नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, असंख्य नाभि कमल ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और जो ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो तपस्या करके ब्रह्मा जी को मानसिक सृष्टि के लिए आवाहन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से चार पुत्रों को जन्म दिया। मन से कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भैया हैं सृष्टि के आदि के। इनसे बोले सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दिया। जो मना कर दिया तो इनको आ गया क्रोध। तो भगवान शिव ने अपने ही एक रूप को प्रकट किया, इनके क्रोध से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र प्रकट हुए, रुद्र से बोले सृष्टि करो। रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच की सृष्टि करनी शुरू कर दी। अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करें उनकी सृष्टि को भोले बाबा वाले खींच ले जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप रहन दो, हम कर लेंगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। छाया से करदम ऋषि को जन्म दिया, और अपने संकल्प से धर्म को। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हुए। स्त्री के बिना सृष्टि संभव नहीं था, तो भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप लिया, और एक रूप 3 भागों में बट गए। ब्रह्माणी हुई, रुद्राणी हुई, महालक्ष्मी हुई, 3 रूप में बट गए। अब बाम भाग दक्षिण भाग से मनु महाराज हुए, और बाम भाग से शत्रुपा। हम और आप मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम आप मनुष्य हैं। क्या हैं? मनुष्य, हमें मानव कहा जाता है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं ये मनुवादी हैं, वो ये जाने कि वो कौन है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप कहती हो कि हम भगवान के पुत्र हैं। पिताजी कहते नहीं नहीं विज्ञान में लिखा है कि डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम लोग बंदर की संतान हैं। माँ ने कहा नहीं नहीं हम लोग भगवान के पुत्र हैं। बोले पापा कहते बंदर की। माँ ने कहा बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तेरे पापा अपने खानदान के बारे में बता रहे हैं, हम अपने खानदान के बारे में, वो होंगे बंदर के, हम तो। मनु महाराज और शत्रुपा, इनके 3 बिटियां हुई, आकुति, देवहूति, अश्रुति। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के। आकुति देवी के यहां साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है। देवहूति जी के यहां करदम ऋषि आए। देवहूति और करदम के घर में कपिल मुनि आए भगवान के रूप में।
सृष्टि बढ़ने लगी ऐसे ऐसे, और दो बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटा हुए ध्रुव जी महाराज, जिनकी कथा आपने भागवत में सुनी होगी। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। मैया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि ने एक ही शर्त पे विवाह किया था कि हमारी एक पुत्र हो जाए हमारे, और भगवान ही पुत्र बन के आए। करदम ऋषि जैसे विवाह करने करके गए, समाधि लगा ली 40,000 वर्षों की, अब पत्नी ने सिंगार उतार दिया, पति की सेवा करने लगी। अच्छा आप बताओ आज की पत्नी होती क्या करती? तुरंत फोन, कहां शादी कर दी? पहले के समय में माताओं की डोली घर से जाती थी, फिर अर्थी लौटती थी। आज के समय चले जाइए, फैमिली कोर्ट में बिल्कुल लाइन लगी है। पत्नी ने दिया पति को तलाक, क्यों? बोले पति खर्राटा बहुत लेते थे, पति खर्राटे बहुत लेते थे। मैया देवहूति ने खूब सेवा की। 40,000 वर्षों के बाद जब इनके नेत्र खुले तो देखा इन्होंने एक बुढ़िया घूम रही थी। बोले देवी तुम कौन हो? पत्नी ने कहा वाह महाराज आप ही विवाह करके लाए थे, पूछ रहे हो तुम कौन हो? बोले अरे देवी मुझसे बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करें? अच्छा चलो वरदान मांगो तुम। माता देवहूति कहती हैं कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो कम से कम संतान तो होनी ही चाहिए। एक दिव्य कामत विमान बनाया संकल्प से, और पति पत्नी उसी कामत विमान पे सवार हुए। कालांतर में इनके घर 9 बेटियां हुई जो नौधा भक्ति हैं, अनसुईया जी, अरुंधति जी, अहिल्या जी, ये सब इनकी बेटियां हैं। 9 बेटियां हो गई। एक दिन करदम जी ने सोचा कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, सोचा था एक बेटा हो जाएगा, ये बेटा के चक्कर में 9 बेटियां हो गई। जाने लगे एक मैया देवहूति ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो स्वामी जी, कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम नहीं फंसेंगे। बोले फंसेंगे, हमें फंसा के आप जा रहे हो? बेटियों का विवाह खोजने में वैसे समस्या, और पति नहीं रहेंगे तो क्या मैं अकेले विवाह खोजूंगी? कदाचित विवाह मिल भी जाए तो कन्यादान क्या मैं अकेले करूंगी? तो महाराज बेटा तो हो जाने दो एक। कालांतर में इनके घर साक्षात कपिल भगवान आए। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान आए। कपिल भगवान का उत्सव मना, बहुत बड़ा उत्सव मना, सब उसमें आए। ब्रह्मा जी के 9 बेटे आए, नारद जी कहीं घूमने चले गए थे तो 9 का विवाह हो गया। नारद जी आज तक अविवाहित था, इनकी 9 बेटियां उनके 9 बेटे। अब की करदम भगवान चले गए। एक दिन मैया देवहूति ने कपिल भगवान को सुंदर श्रृंगार करके बिठाया और कपिल भगवान से कहती है बेटा भागवत जी के अंश हैं कुछ, लेकिन सुनिएगा। बिठाया सामने और कहती है बेटा मैंने सुना है तू साक्षात भगवान है। क्या है? भगवान। लेकिन मेरे अंदर जो भरा पड़ा है वो खत्म नहीं हो रहा, मैं तेरी शरण में हूं बेटा, कुछ उपाय बता। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं त्वरेत संसारो नराणां।
कहती है बेटा मैं तेरी शरण में हूं, मुझे ये बता कि मैं मनु महाराज की बिटिया थी। किसकी? मनु महाराज। भोगों की कोई कमी नहीं, जितना भोग मैंने भोग लिया साधारण स्त्री नहीं भोग सकती। पति भी मिला तो तेरे पिता जैसा करदम ऋषि जो बहुत बड़े विद्वान, कामत विमान प्रकट कर दिया, जो कामना करो वही मिल जाए। बिटिया मिली तो अनसुईया अहिल्या अरुंधति जैसे, दामाद मिले तो वशिष्ठ जैसे, गौतम जैसे, अत्रि जैसे, और बेटा तू तो साक्षात भगवान ही मिला। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं है। ये मैया का प्रश्न नहीं है, ये आप सबका प्रश्न है। पहले खपड़े के मकान में रहते थे तो लगता था मकान बन जाएगा, आरसीसी तो शांति हो जाएगी, था ना? जो आरसीसी बन गया तो और गर्मी पड़ने लगी। अब लगता है छपरा ज्यादा ठीक था, छप्पर ही ठीक था। अब आरसीसी बनाया तो सोचा एसी लग जाए तो सही होगा, एसी लगवा लिया, अब और समस्या, जहां एसी ना मिले वहां और दिक्कत। साइकिल से चलते थे थोड़ी तंदुरुस्ती ठीक रहती थी, मोटरसाइकिल ले लिया, कार ले लिया तो और ज्यादा रोग के घर बन गए। तो क्या इन सबको पाने के बाद मन शांत हो पाया? जितने भोगों को मैंने भोगा कोई साधारण स्त्री नहीं भोग पाएगी। बेटा तू ये बता कि मेरे मन को शांति कैसे मिले? ध्यान से सुनिएगा, मन को शांति। कपिल भगवान कहते हैं मां दुनिया के जितने साधन ये सब शून्य हैं। क्या हैं? शून्य। आप लिखते चले जाइए शून्य 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 शून्य, कोई संख्या बनेगी? लेकिन शून्य के दाहिने भाग में आप लिख दीजिए एक, फिर एक शून्य बनाइए, कितना होगा? दो बनाइए, तीन बनाइए, बढ़ता जाएगा। तो वो एक कौन है? बोलो एक परमात्मा है, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। आप सबके घर में बिजली लगा है ना, लेकिन आपका घर बिजली घर नहीं है, कहीं ना कहीं से आपके यहां सप्लाई होती है। जब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक जीवन में हमेशा कमी बनी रहे। कितना भी आपको लगे ये संसार में जितने सुख दिखते हैं ये सुख केवल देखने के लिए हैं। हम लोग केवल कहते हैं आनंद आ गया, भूख के मारा तड़प रहे हैं, भोजन मिल गया खा लिया, बोला आनंद आ गया। काहे का आनंद? भूखे थे पेट भर गया तुम्हारा, लेकिन वो आनंद क्षणिक है, फिर रात को खाया सुबह फिर भूख लगेगी। लेकिन जिसे परमात्मा मिल जाए उसे फिर कोई फिक्र नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं ना, दीन का है धनवान सुखी। किसी गरीब से पूछो बोलते हैं भैया रुपया वाले बहुत सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी। अरे मुख्यमंत्री सुखी है, राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, चतुरानन कहें सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना तो सब दुखारी है, कितनी भी संख्या बना लीजिए। ईश्वर ने हमारे आपके लिए सारी व्यवस्था दी है। आज हम लोग परेशान हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन जब मां के पेट में रहते हैं तो व्यवस्था कौन करता है? लोग कहते हैं चलो बुढ़ापे में नाम लेंगे भगवान का, लेकिन अंत तक माया घेरे रहती है। एक बूढ़े बाबा
शरीर छोड़ने वाले थे, तो उनको ला करके बाहर आंगन में बिस्तर लगा के लिटा दिया गया। अब जिस बिस्तर पे उन्हें लिटाया गया उस पे जो चद्दर था वो नया चद्दर था। कैसा चद्दर था? नया। वहीं बकरी बंधी थी, अब बकरी चद्दर चबाने लगी। अब घर वाले सब खड़े हैं घेर के, इनका प्राण निकलने वाला है। तीनों ने ऐसे हाथ उठाया, बोले बा। घर वालों ने सोचा बाबूजी खजाना का पता बता रहा है। खजाना? हाँ बाबूजी, कहाँ है खजाना? बोले बा। बोले बा नहीं, खजाना कहाँ है? इतना कह के हाथ नीचे कर लिए। बच्चे दौड़ करके गए, सामने ही वैद्य जी रहते थे। बोले कोई ऐसी दवा दे दो कि बाबूजी एक बार केवल बोल ले, बस एक बार। वैद्य जी ने कहा 1,00,000 लगेगा। तीनों लड़कों ने कहा अरे खजाना मिलने वाला है, 1,00,000 क्या है, लो 1,00,000 दिया। दवाई लेकर के आए, बाबूजी को खिलाया। जो बाबूजी ने दवाई खाया तो कफ साफ हो गया। तो बाबूजी बोल लिए, बोले खजाना कहाँ बताइए बाबूजी। बाबूजी ने कहा जाना खजाना छोड़ो, देखो बकरी चद्दर खा रही है। इतना कह के बाबूजी निकल गए, इतना कह के निकल गए, और ये खजाने खोजते रह गए। ऐसा आदमी मुक्त होगा? तो मरते समय भी घर के चद्दर में फंसा हुआ। आपसे मैं निवेदन करूं, आप जो सोने की चैन पहने हैं ना, ये घर वाले सबसे पहले खींचेंगे गले से। इतने लोग मायावी हैं कि माया नहीं समझ सकते, माया नहीं समझेंगे। अरे ये बिस्तर सासू माता का बिस्तर है, मर गई फेंक दो, ये उनका कपड़ा फेंक दो, ये सोना चांदी नहीं कोई फेंकता कि चलो इसको भी फेंक दो निकाल के, ये नहीं फेंकेगा। पता लगा सास बढ़िया सोने की अंगूठी पहनी है, सास मर गई, बड़ी बहू आई बाहर रहती थी, छोटी बहू घर में, बड़ी बहू ने आते ही पहले अंगुली देखी, अंगूठी कहाँ है। अब छोटी को देख रही है कि तुमसे तो बाद में निपटेंगे, अब वो गई, सास का कोई और मतलब नहीं, अंगूठी में मामला फंसा। इसीलिए कहा जाता है कि सोना पहनिए न पहनिए, गले में एक तुलसी की माला पहन लीजिए, गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, आप जाएंगे तो उसे कोई निकालने वाला नहीं है, उसे नहीं कोई निकालेगा। ऐसा मायावी, चाय पी पी के रोते हैं लोग, पूरा मोहल्ला चाय लेकर आता है, चीनी का चाय, बिना चीनी का चाय, ये चाय पीजिए। अब चाय पिया, कुछ देर चाय पीती है, फिर रोना शुरू। आपके भी मरने के बाद यही होगा। हाँ, पूरा मोहल्ला चाय लेकर आएगा, पियेंगे, रोएंगे, फिर पियेंगे, फिर रोएंगे कुछ देर। बड़ी अच्छी थी माता जी, तब तक कोई लगा बहन ये काली मिर्च वाला चाय पी लो, अभी तो पूरी रात रोना है। अब बहन काली मिर्च वाला चाय, फिर अदरक वाला चाय, फिर नींबू वाला चाय, और कुछ नहीं होता, यही होता है। इसलिए जीते जी अपने आप को संभाल लीजिए, जीते जी ईश्वर से अपना नाता जोड़ लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको कभी किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ता, ईश्वर से नाता जोड़ा है। नारद जी कहते हैं महाराज जी प्रसूति देवी की जो बिटिया सती थी उनका विवाह कैसे हुआ, विस्तार से समझाइए। बोले सुनो, भगवान शिव मूल प्रकृति हैं, उनके वामांग से विष्णु जी प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिणांग से ब्रह्मा जी और हृदय से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक बिटिया को उत्पन्न किया जिसका नाम था संध्या देवी। ना तरसी देव लोके ना मरते नरसा तले, तीनों लोकों में संध्या के जैसी कोई सुंदरी नहीं थी, इतनी सुंदर। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को उत्पन्न किया, वो पुरुष बहुत सुंदर था, तप्त वर्ण का था, घुंघराले बाल, मिली हुई भौहें, शंख सी गर्दन, मछली के चिन्ह वाला पुष्प को धनुष बाण धारण किए,
ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम कामदेव होगा, तुम पुष्प के 5 बाण धारण करोगे, मैं आशीर्वाद देता हूं तुमसे कोई बच नहीं पाएगा। कामदेव के 5 बाण कौन कौन से हैं? हर्षण, रोचन, मोहन, मारण, शोषण, ये 5 बाण हैं जिससे कामदेव अपने बस में करते हैं। कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा के वरदान का परीक्षण पिताजी के ऊपर कर दिया, ब्रह्मा जी को ही बाण मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी को बाण लगा तो ब्रह्मा जी की कुदृष्टि अपनी बिटिया पे ही पड़ गई, संध्या देवी पर। जो धर्म ने देखा तो धर्म ने भोले बाबा का स्मरण किया, देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, भोले बाबा आए, भोले बाबा ने फटकारा, यथा माता च भगनी भात पटनी तथा सुता एता को दिष्टाधिष्टभ्या न कदापि अभ्यथता। अपनी माता बहन भाई की पत्नी और बिटिया पे जो कुदृष्टि डालता है उसके जैसा महापापी कोई नहीं, डांट फटकार लगाई। ब्रह्मा जी कहते हैं गलती किया कामदेव ने, डांट पड़ी हमें। देखिए ये कथा क्यों कही गई है, ये कथा आपको बतला रही है शास्त्रों में हमारे लिखा है कि अगर बिटिया सयानी हो जाए तो बिटिया को पिता के साथ भी नहीं सोना चाहिए, बहन भाई को भी एक साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। आज लोग उन चीजों को नहीं मान रहे हैं तो पूरा देख ही रहे हैं आप लोग समाज में क्या चल रहा है। कामदेव ने क्षमा याचना की, ब्रह्मा जी ने कहा तूने मेरे ऊपर प्रयोग किया, भोले बाबा के तीसरे नेत्र से तू जलकर भस्म हो जाएगा। संध्या देवी पश्चाताप करने लगी कि मैं कैसी अभागिन स्त्री हूं कि मेरे भाई और मेरे पिता ही मेरे ऊपर कुदृष्टि उनकी हो गई। 12,000 वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने भोले बाबा की तपस्या करने को कहा, ओम नमः शंकराय ओम ये मंत्र दिया, बोले इसी का जाप करो, इस मंत्र का मौन होकर तपस्या करो। देखिए मंत्र जाप भी 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक, उपांशु। सबसे सुंदर मंत्र का जप क्या है, बोले मानसिक, मन में जपना, लेकिन मन का जप नहीं हो पाएगा बिना साधना के। जैसे आंख बंद करोगे वैसे दुनिया भर के विचार घूमने लगेंगे, मंत्र जाप बाद में होगा। दूसरा बोले वाचिक, चिल्ला चिल्ला करके, तो चिल्ला के भी नहीं करना। तो श्रेष्ठ कौन है, बोले उपांशु, जिसमें जीव और ओंठ हिलता रहे और मंत्र चलता है। यहां मौन होकर के जप करने के लिए कहा, संध्या देवी ने मौन होकर के जप किया और जो जप किया तो उसके प्रभाव से भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, संध्या ने कहा प्रभु आप वरदान दीजिए कि कोई भी जीव जन्म लेते ही काम अवस्था को न प्राप्त कर सके, उसके अंदर विकार ना हो। जीव की 4 अवस्थाएं हो, कितनी? 4, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। तो बाल अवस्था और कुमार अवस्था में उसे काम का प्रवेश न हो, युवा अवस्था में काम का विकार उसे आवे। भोले बाबा ने तथास्तु कहा और कहा देवी चंद्रभागा पर्वत पर जाओ, वहां मेधातिथि आहुति कर रहे, तुमने अपने शरीर का त्याग करने के लिए प्रण किया है, अपने शरीर का त्याग कर दो। संध्या गई जाकर कि इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, इनका शरीर 2 भागों में बट गया, एक प्रातः संध्या, एक मध्यान्ह संध्या। और वहीं से शिव पुराण के अनुसार वहां से उस अग्नि कुंड से अरुंधति बन के ये प्रकट हुई, इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इस प्रकार से संध्या चरित्र को कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भोले बाबा ने मुझे डांट फटकार लगाई ना तो मुझे बड़ा बुरा लगा, सबके सामने उन्होंने डांटा, तो मैंने सोचा कि अब भोले बाबा को भी मैं काम विकार से ग्रसित करूंगा। कामदेव को भेजा, कामदेव ने बहुत प्रयोग किया लेकिन भोले बाबा को ग्रसित नहीं कर पाया। जो काम से भोले बाबा को ग्रसित नहीं कर पाया, लौट करके हार मान करके चला आया, जो हार मान करके लौट के आया, पुनः उपाय किया लेकिन फिर भी नहीं,
विष्णु भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हो? बोले, हम शिव जी को विकार युक्त करना चाहते हैं। बोले, शिव जी को कोई साधारण विकार युक्त नहीं कर सकता, आप शिवा की आराधना करिए। तो जगदम्बा भवानी माता शक्ति की आराधना की। जो जगदम्बा भवानी की आराधना की, मैया भगवती प्रकट हुई। मैया भगवती से दक्ष ने कहा, आप मेरे पुत्र दक्ष और अशिकनी के गर्भ से सती के रूप में जन्म लीजिए और भोले बाबा को मोहित करिए, उनसे विवाह करिए। एवं अस्तु कह के मैया चली गई। अब दक्ष ने तपस्या की मैया भगवती की। मैया प्रकट हुई, दक्ष ने पुत्री बनने के लिए कहा। मैया सादर मान गई, लेकिन मैया ने एक शर्त रखी, देखो अगर आपने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तत्काल अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने कहा, ठीक है। कालांतर में मैया सती ने अवतार लिया। मैया सती के अवतार में सब प्रसन्न हो गए और उचित समय देख करके मैया ने नंदा व्रत रखा, भोले बाबा को प्रसन्न किया तपस्या करके, और मैया सती का और भोले बाबा का विवाह हुआ। भोले बाबा और मैया सती कैलाश पे गए। कैलाश पे भोले बाबा ने मैया सती को ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया, यंत्र तंत्र के बारे में बताया। मैया सती ने प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो? भोले बाबा ने कहा, जीव का कल्याण परमात्मा के साक्षात्कार के बिना होने वाला नहीं है। परम तत्व का साक्षात्कार कैसे होगा? बोले, विज्ञान से होगा। विज्ञान कौन है? भोले बाबा कहते, मैं ही विज्ञान हूं। नौ प्रकार की भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम चैव अस्मरणम सेवनम तथा दास्याम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। श्रवण मतलब सुनना, पहली भक्ति। दूसरा बोले अस्मरणम, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, दास्य भाव से रहना, और देवी भगवान की वंदना करना, जिससे मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूं। यह भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य की जननी है, मुक्ति इसकी दासी है, मुक्ति इसकी दासी है। ये अगरबत्ती लगा देने को धर्म नहीं कहते, भक्ति नहीं कहते कि सुबह उठिए दो अगरबत्ती लगा दीजिए भगवान सुनो, ये भक्ति नहीं है। और अपना चले जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए, बढ़िया काटिए, भगवान अगरबत्ती सूंघे दिन भर बैठ के, फिर बोले ये भक्ति के लक्षण है। और ज्ञान और वैराग्य के बिना जो भक्ति होती है वो पुष्ट तुष्ट संतुष्ट नहीं होती। बिना ज्ञान बिना वैराग्य के किम बहुयुक्तेन देवी ऐसी भक्ता दीना सदा भजन। भगवान कहते हैं, देवी मैं ज्ञान से नहीं मिलता, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते। तब कैसे मिलते हैं? बोले भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं। भगवान भक्ति से मिलते हैं। मानस जी ने आपने सुना होगा, भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम यारा, जान ले हूं जिम जाननी हारा। भगवान को केवल और केवल प्रेम प्यारा है। जिसने प्रेम करना नहीं जाना तो प्रेम किससे करना है? आप पूछ सकते हैं, प्रेम किससे करना है? भगवान से नहीं, परिवार से। जो परिवार से प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान से कैसे करेगा? जो प्रेम परिवार में हो उसे कहते हैं राग, जो प्रेम भगवान में हो उसे कहते हैं अनुराग, और परिवार और भगवान से जब हट जाए तो उसे कहते हैं वैराग्य। भगवान न राग से मिलेंगे न अनुराग से मिलेंगे, भगवान न राग से मिलेंगे न वैराग्य से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अनुराग से। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाना। सीधे सीधे भगवान से नहीं प्रेम हो पाएगा। प्रेम करने के लिए कम से कम एक बात आप बताओ, ये मंदिर है, कोई मंदिर ले लीजिए, मूर्ति कौन बनाता है?
मूर्ति कौन बनाता है? हम आप? मूर्ति की पूजा पाठ कौन करते हैं? हम आप? मूर्ति मंदिर कौन बनवाया? सिद्ध जी ने, हम आपने। और अपने द्वारा बनाए गए मूर्ति में भगवान कौन देखता है? हम ही आप देखते हैं ना, भगवान आते हैं देखते, नहीं ना। और भगवान ने जो इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बना दी हैं, इनसे हम घृणा करें, द्वेष करें, नफरत करें, तो वो प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा ना। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिस प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में हर हर महादेव, कितना भी चाहे क्या, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में हर हर महादेव। Thank you.
माया में अंधा है सब जग, माया में अंधा है सब जग, माया में अंधा है सब जग, माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मोहन की मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गरी ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। भोले बाबा माता सती से कहते हैं, देवी नौ प्रकार की जो भक्ति है इसी से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसी से मिलता हूँ। कैसे? जो प्रेम गली में, भगवान से नहीं प्रेम करना है, पहले आपस में प्रेम करना है। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मोहन की मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। आपने सुना है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भया न को आखर प्रेम सो पढ़े सुपंडित हो। ढाई आखर प्रेम सो
पढ़े सुपंडित हो। भोले शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा का माता सती का ये चरित्र चल रहा है, भोले बाबा माता सती को कथा श्रवण करा रहे हैं और हमारे बीच में हमारे श्री महाराज जी परम पूज्य परम आदरणीय श्री अवध की धरोहर श्री महाराज जी स्वामी राम बालक दास जी महाराज का आगमन हुआ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें, कुछ अमूल्य वचन अनमोल वचन प्रदान करें। श्री महाराज जी श्री राम श्री राम बोलिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा जय घोष में ताकत लगाइए, है ना।